लोगों को परेशान कर रहा है। सोना लोगों को इसीलिए परेशान कर रहा है क्योंकि शादियों का सीजन चल रहा है और सोना लगातार महंगा हो रहा है। अभी आपको बता दें कि आज 4 मई है, आज फिर से सोना जो है वो महंगा हो चुका है। गोल्ड के प्राइसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इस साल 12% बढ़ते बढ़ते आज की गोल्ड प्राइस की कीमत है 61,490। आपको बता दें कि कल जो है वो सोना थोड़ा सस्ता था लेकिन आज महंगा हो चुका है, यानी सराफा बाजार में एक बार फिर से खलबली मच चुकी है और शादियों का सीजन शुरू हो चुका है। भारतीय संस्कृति में बिना सोने के कोई भी शादी जो है वो नहीं होती। और इसी बीच आपको ये बता दें कि लोगों की कमर जो है वो लगातार टूटती जा रही है क्योंकि शादियों में सोना देना जो है वो शुभ माना जाता है और इसी शुभ के चक्कर में लोगों की कमर सीधी नहीं हो रही, यानी सोना आपको चैन से सोने नहीं दे रहा। और लगातार आपको ये बता दें कि डॉलर के मुकाबले सोने की कीमतों में इजाफा हो रहा है, यानी भारतीय बाजार है जो सराफा बाजार है उसमें सोने की कीमतों में अचानक से आज सुबह जो है वो उछाल आया है। और इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि चांदी भी महंगी हो चुकी है। सोने चांदी ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है और सोना चांदी लगातार महंगा होता जा रहा है। जिस तरह से बात करते हैं कि भारतीय नारी जो है वो ज्यादा सोना पहनना पसंद करती हैं, आजकल भारतीय नारियों की पसंद जो है वो महंगी होती जा रही है। जब अगर बात करते हैं भारत की, तो भारत में ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो बिल्कुल मध्यम वर्ग यानी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं या उससे भी नीचे बिलोंग करते हैं। हालांकि सब लोग जो है वो शादियां कर रहे हैं लेकिन सोना जो है वो लगातार महंगा होता जा रहा है। और आपको ये भी बता दें कि 4 मई की सुबह सोना और चांदी बहुत ज्यादा महंगा हो चुका है और लोग सोने और चांदी की कीमतों को सुनकर ये कह रहे हैं हाय तोबा, आज से पहले जो है इतनी कीमतें सुनी नहीं थी। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि 61,490 रुपीज जो है ये 10 ग्राम सोने की कीमत है, वही चांदी जो है वो 76,000 पर पहुंच चुकी है। 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत जो है वो 61,565 रुपीज पहुंच चुकी है। इसी के साथ आप सब लोग चाहते हैं कि आप शुद्ध सोना लें, यानी शुद्धता वाला सोना लें, खरा सोना लें, लेकिन खरा सोने को पाने के लिए लोगों की नींद जो है वो हराम हो चुकी है। और आपको सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट बात बता दें कि अगर आप 2023 में सोना खरीद रहे हैं तो कृपया करके आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप अपने सोने को खुद चेक कर सकते हैं। आप उस नंबर को जो है जो BSI मार्क है, आप उस नंबर को जो है वो चेक कर सकते हैं ऐप में डालकर और आप पता लगा सकते हैं कि आपका सोना कितने कैरेट का है, आपका सोना खरा है या नहीं। इससे लोग जो है वो फ्रॉड से बच सकते हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि सिल्वर की कीमत भी जो है 76,359 रुपीज जो है वो पहुंच चुकी है। और इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के मुताबिक जो है 24 कैरेट का जो शुद्ध सोना है लोगों के हाथ नहीं लग रहा है। लोग ये कह रहे हैं बार बार कि सोने की कीमतें जो है वो नीचे आनी चाहिए लेकिन सराफा बाजार में जो है वो खलबली है। यानी अगर ज्वेलर एसोसिएशन की बात करते हैं, वो भी बार बार ये कह रहे हैं कि 2023 में सोने की कीमतें जो है वो आसमान को छू रही हैं और सोने की कीमतों की बात करते हैं वो अब गरीब लोगों की पकड़ से बाहर होता जा रहा है। बाहर होने के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि आप जब मार्केट में जाते हैं तो आप लोगों के साथ धोखा ना हो जाए, इसीलिए आप अपने सोने को जो है वो चेक करें। और सोने को चेक करने के साथ साथ आजकल सोशल मीडिया पर, आजकल प्ले स्टोर पर ऐसे बहुत से ऐप हैं जो आपको सोने का खरा, उसकी शुद्धता के बारे में बता सकते हैं। इतना भी बता सकते हैं जब आप उस पर वो नंबर डालेंगे कि आपका सोना खरा है या नहीं। जैसे ही मार्केट में सोने को लेकर उछाल आया है उसी के साथ लोगों के साथ धोखा होना भी शुरू हो चुका है। और लोग सोना खरीदते तो हैं लेकिन लोगों को बाद में पता चलता है कि उनका सोना जो है वो फेक है, उनका सोना जो है वो खरा सोना नहीं है। लोग कहते हैं कि हमने 24 कैरेट का सोना खरीदा है, 22 कैरेट का खरीदा है, 18 कैरेट का खरीदा है। आप लोग जब सोना खरीदते हैं घर बैठे क्या उसी मर्चेंट के सामने आप अपने सोने के बारे में ये देख सकते हैं कि आपका सोना खरा है या खोटा है। इसीलिए आप जब सोना लेते हैं तो आप ये भी ध्यान रखिए कि आपको खरा सोना लेना चाहिए और सोने के साथ साथ आपकी सोने ने आपकी सोने की कीमत को बढ़ा दिया है और आपकी रातों की नींद जो है वो छीन ली है। सोना और चांदी आज दोनों महंगे हो चुके हैं, सराफा बाजार में खलबली है। व्यापारियों का कहना है कि शादियों का सीजन चल रहा है, जिस तरह सोने के रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं लगता नहीं है कि कुछ खासा कमा पाएंगे। लेकिन अब क्या लगता है कि भारी उद्योगपति जो है सोने की इतनी महंगी कीमतों को देखकर क्या कोई हस्तक्षेप करेगा। आपको ये भी बता दें कि अमेरिकन डॉलर जो है एक बार फिर से ऊंचाई पर पहुंचने वाला है और लेकिन भारत की अगर बात करते हैं पैसे के मुकाबले जो है सोना लगातार ज्यादा होता जा रहा है, इसीलिए भारतीय लोग जो है वो सोना खरीदने पर यकीन करते हैं। लेकिन साल 2023 में
12% सोने की कीमतों में इजाफा हुआ है। लोग बहुत परेशान हैं कि ऐसे में कोई हस्तक्षेप करके सोने की कीमतों को जो है एक जगह पर रोक सकता है। और आने वाली बात यह भी है कि साल 2024 में सोना जो है 71,000 पहुंच सकता है, ऐसा भी कहना है यहाँ पर रिसर्चर्स का।